स्वागत है आपका चित्रकूट में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कराने की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक व कई विभाग के अधिकारियों ने कारवी तहसील परिसर में धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया धरने पर बैठे सरकारी संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जमकर कोसा कई घंटे के धरने के बाद तहसील परिसर से कलेक्ट्रेट के लिए जुलूस निकालकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश पांडे का कहना है कि अगर केंद्र व राज्य की सरकार ने उनकी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो आने वाले चुनाव में सरकार को सबक मिलेगा